अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासिर जी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो सेल डिस्काउंट का है कि डिस्काउंट किस तरीके से दिया जाता है। डिस्काउंट शुरू करने से पहले जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। हम अपने रिव्यू करते हैं सेल ट्रांसेक्शन को जाके। हमें सेल डिस्काउंट बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट होना चाहिए, इन्वेंट्री, कस्टमर नेम, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम आपके पास होना चाहिए। हम एक बार फिर सेल ट्रांसेक्शन पास करेंगे और उसमें हम सेल डिस्काउंट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है हम लोग वो आज अकाउंट बनाएंगे और पास करेंगे। तो यहाँ पर सेल टैक्स को रेड किया हुआ है, सेल टैक्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम जाके अपने अकाउंट इन्फो लेजर और डिस्प्ले में जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट बने हैं। कस्टमर बना हुआ है, बैंक बना हुआ है, इन्वेंट्री है और सेल टैक्स की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे सेल डिस्काउंट का अकाउंट बनाएंगे। सेल डिस्काउंट का अकाउंट भी अकाउंट इन्फो गेटवे ऑफ टैली के फ्रंट पेज में अकाउंट इन्फो लेजर और क्रिएट में बनेगा। तो ये हमारे पास सेल डिस्काउंट हम लोग बना रहे हैं। टाइटल लिख दिया मैंने, सेल डिस्काउंट का 05 हो जाएगा। इसकी नेचर हमारे पास एक्सपेंस होती है, आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस लैग कर लीजिए। हमारी जो सेल डिस्काउंट की नेचर एक्सपेंस होती है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस हमने सेलेक्ट किया, इंटर किया, इंटर किया और यहाँ से बाहर निकल गए। बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई प्रोफेशनल तौर पर काम करेंगे तो हमें जो डिटेल हमारे पास ज़रूरी है हमें वो डालनी हो पड़ी तो हम लोग डालेंगे। तो फ़िलहाल मैंने अकाउंट बना दिया है और आपको पता है कि अकाउंट कहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेल डिस्काउंट का अकाउंट बन चुका है। तो अब हम इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे सेल डिस्काउंट का, चलते हैं ट्रांसेक्शन में। ट्रांसेक्शन पास करने के लिए वही हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में आने के लिए शॉर्टकट F8, तो रेफरेंस नंबर 3 वही पुराना काम, कस्टमर नेम बताएंगे, कस्टमर की डिटेल, इंटर करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, वही इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ आइटम एलसीडी हमारे पास 5 रहती हैं, हम इंटर किया यहाँ से। और अब मैं यहाँ पे 4 सोल्ड, कितनी 4 क्वांटिटी बेचने लगा हूँ, कितने की, 4000 की ही बेच रहे हैं। इंटर किया नीचे आ गए, 2 इंटर करके हम लोग नीचे आएंगे और जैसे ही मैं एस प्रेस करूंगा तो मेरे पास सेल डिस्काउंट का अकाउंट नज़र आएगा। यहाँ पे सेल डिस्काउंट का जो अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें डिस्काउंट कितना देना है, 10% देना है। जब आपको डिस्काउंट देना हो तो आप -10 शिप के साथ परसेंट लगा दें, इंटर करेंगे और इस तरीके से हमारी सेल ट्रांसेक्शन देखिए माइनस में आ चुका है यहाँ पर। तो 60,000 का जो अमाउंट था जिसमें 1600 लेस करने के बाद 14,400 बाकी बचा है, तो डिस्काउंट हमने दे दिया। अब हमें ये अमाउंट रिसीव करना है यहाँ पे जो नीचे आपके बॉटम में शो कर रहा है। इंटर किया इंटर करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सेम उसी तरीके से रिसीव पेमेंट करनी है, F6 प्रेस करेंगे और हमारी रिसीव वाउचर आ जाएगा। पेमेंट कहाँ से रिसीव करनी है, बैंक से सिलेक्ट करते हैं, बैंक बनाया हुआ मैंने तो भाई बैंक सेलेक्ट किया मैंने, 150 इसके अंदर पहले ही बैलेंस है। पार्टी नेम कौन है, पर्टिकुलर कस्टमर नेम अली का नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। अब आप देखें 25,400, इसका मतलब कि 10,000 जो अली के बाकी थे वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं वही 14,400 की पेमेंट ही रिसीव कर रहा हूँ जो हमारी टैक्स की डिस्काउंट देने के बाद जो बन रही थी। तो अब यहाँ से हम लोग रिसीव करते हैं इंटर। ये देखें 2 हमारे पास वाउचर बनेंगे। आपने कौन सी एंट्री रिसीव कर रहे हैं, मैं ये लेना चाह रहा हूँ, मेरी ये मुझे ये अमाउंट वसूल करना है, इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया और यहाँ पे आ गए। अब आप देखें वही 11,000 इसके पास बाकी है, 14,400 की हम जो पेमेंट है वो रिसीव कर ली और हमारे बैंक में भी शो कर रही है। इंटर करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे
और अपनी रिपोर्ट देखेंगे, हमारी रिपोर्ट में क्या फ़र्क। बैलेंस शीट में आते हैं और हमारी रिपोर्ट के अंदर करंट लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस आपका बढ़ चुका है और ये सब बता रहा है। अगेन इंटर करें, अगेन इंटर करें, अगेन इंटर करें। तो हमारी चार ट्रांसैक्शन यहाँ पे हो चुकी हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो था 20 थी और हमने 3 बार ट्रांसैक्शन पास की है। कस्टमर अली है। अब हमारे पास सिर्फ वन क्वांटिटी बची है जिसकी मालियत 3000 है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। स्टडी विद यासिर के साथ यासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।